दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेष राशि फल जून 2020। मेष राशि का कैसा बीतेगा जून का महीना, आइए जानेंगे राशि फल। दोस्तों राशि फल जानने से पहले आपको बता दें कि यह राशि फल चंद्र राशि और लग्न पर आधारित है, तो चंद्र राशि और लग्न के अनुसार इस राशि फल को आप देखें व सुने। अब जान लेते हैं जून के महीने में रहने वाली गोचर की ग्रह स्थितियों को। चंद्र राशि के आधार पर है, चंद्रमा आपकी राशि में विराजमान करा दिया। शुक्र का संचरण जारी है वृषभ राशि में, सूर्य का संचरण वृषभ राशि में रहेगा 14 जून तक, तत्पश्चात ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य का मिथुन में प्रवेश हो जाएगा 14 जून को। राहु बुध का संचरण जारी रहेगा पूरे महीने मिथुन राशि में, और साथ ही साथ केतु का संचरण धनु राशि में, गुरु और शनि का मकर राशि में। गुरु का राशि परिवर्तन भी होगा, 29 जून को धनु राशि में वापसी करेंगे देवगुरु बृहस्पति। मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, बाकी 18 जून तक ये गोचर करेंगे कुंभ राशि में, उसके बाद में ये पहुंच जाएंगे मीन राशि में। मंगल का राशि परिवर्तन होगा 18 जून को। तो ये हैं ग्रह स्थिति, और इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर हम आपको बताएंगे आपकी राशि का हाल जून के महीने में मेष राशि पर। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के मामले में, क्योंकि आपका लग्नेश जाकर के एकादश भाव में बैठा है, और स्वास्थ्य क्योंकि आपके स्वास्थ्य को लाभ में जाकर के देखते हैं, तो यहाँ पर आपका बहुत अच्छी हेल्थ रहने वाली है, स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन 18 जून के बाद में स्थितियाँ कुछ गंभीर हो सकती हैं आपके लिए, रोग इत्यादि की वृद्धि हो सकती है, या कोई स्वास्थ्य समस्या से आप ग्रसित हो सकते हैं। ये मंगल 18 जून के बाद परिवर्तन करके जल तत्व की राशि में चला जाएगा मीन राशि में, और द्वादशस्थ मंगल जाकर के रोग इत्यादि उत्पन्न करा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मंगल जाकर के ये भी आपको दे सकते हैं कि आपका ज़्यादा झगड़ा हो, लोगों से उलझें आप, ये सब चीज़ें आपके साथ ज़्यादा हो सकती हैं। साथ ही साथ कोई आप ऑपरेशन इत्यादि भी अगर कराना चाहते हैं तो आप निश्चित ही सफल होंगे, ऑपरेशन आपका सफलतापूर्वक हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं द्वितीय भाव की, तो द्वितीय में सूर्य और शुक्र की युति रहेगी 14 जून तक। तो 14 जून तक सूर्य और शुक्र की युति से निश्चित ही आपको कुछ नुकसान भी होंगे, तो कुछ फायदे भी हैं। फायदे के लिए ये है कि आपका जो सेविंग मनी, जो आपने पैसा बचाया हुआ होगा, वो आपके बहुत ज़्यादा ही काम आएगा। आप बहुत बहुत धन्यवाद देंगे उस वक्त को जब आपने पैसा आपने अर्जित किया, अर्जित हुए धन को, और खासकर अपने पैतृक धन का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आपके पैतृक धन की जो पूंजी जमा थी वो आज आपके काम आ रही है। ये हो सकता है आपके लिए धन मान सम्मान, कुटुंब से धन की वृद्धि, कुटुंब से धन की प्राप्ति, और अपने पैतृक धन को आप खर्च करके अपना जीवन व्यतीत करें। और यहाँ पर सूर्य और शुक्र की युति ये भी दर्शाती है कि कई मामलों में आपको पीड़ा भी हो सकती है, शारीरिक रूप से आपको हो सकता है कि नेत्र में कष्ट या आंखों में पानी आना, ये शिकायत हो। साथ ही साथ अब बात करते हैं तृतीय भाव की, तो यहाँ पर आपको पराक्रम से संबंधित मेहनत, क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 14 जून को, तो सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी राशि से तृतीयस्थ होंगे, और तृतीयस्थ सूर्य राहु से ग्रसित हो जाएंगे। यहाँ पर ये देखा जाएगा कि आप मेहनत कम कर पाएंगे, मनोबल आपका कम हो जाएगा, आत्मविश्वास में कमी आएगी। लेकिन बुध साथ में बैठे हैं, तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपको मेहनत मनोबल जब डाउन हो जाए, बार बार कोई काम करें और उसमें असफलता आपके हाथ लगे, तो उससे हो सकता है कि आपको ज़्यादा ही क्रोध आए, और क्रोध के आवेश में आप बहुत ज़्यादा ही परेशान हों, ये आपके साथ में हो सकता है। कोई पुत्र को भी कष्ट हो सकता है, आपकी संतान को भी कष्ट हो सकता है। अगर हम बात करें चतुर्थ भाव की, तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी लाभदायक स्थितियाँ हैं। चतुर्थ भाव के अधिपति चंद्रमा जो आपकी राशि में, क्योंकि चंद्र राशि के अनुसार बता रहे हैं आपको, तो यहाँ पर इस हिसाब से आपके लिए मान सम्मान, धन, और बहुत अच्छा आपके लिए माँ का प्यार मिलने वाला है। तो यहाँ पर वाहन से संबंधित अगर आप कोई भी कार्य करते हैं या वाहन चलाते समय एक तो सावधानियां रखें,
और साथ ही साथ वाहन अगर आप क्रय विक्रय का काम करते हैं तो उसमें भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। आपको इस समय नुकसान तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर हम बता दें आपको कि अगर आप कोई नया वाहन खरीदते हैं तो वो भी आप टाल दीजिएगा, क्योंकि वाहन हो सकता है कि आपके लिए लाभदायक ना रहे। तो ये महीना आपके लिए वाहन खरीदने के लिए शुभ नहीं है। अगर पंचम भाव की बात कर लेते हैं तो पंचम भाव में आपके पंचम भाव के अधिपति जो कि प्रेम भाव और विद्या का भाव, तो विद्यार्थियों की अगर बात करें तो विद्या धन में आपकी प्राप्ति अच्छी होगी और रुचि बढ़ेगी, आपको विद्या प्राप्त करने में आपकी रुचियां बढ़ेंगी। लेकिन साथ ही साथ आपको निश्चित ही अगर आप प्रेम की बात कर लेते हैं तो प्रेम में आप प्रेम आपने कोई सामंजस्य बना सकते हैं, कोई समझौते कर सकते हैं, प्रेम में कोई हो सकता है कि आपको धोखा भी दे दे, तो ऐसी स्थितियां बनेंगी। और अगर छठे भाव की बात कर लेते हैं तो छठे भाव में यहाँ पर देखा जाता है रोग रिपुरिड, तो यहाँ पर देखा जाएगा कि आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक रहेगा। लोन ले सकते हैं आप, ऋण ले सकते हैं किसी से, या ले रखा है तो उसे चुकाने में प्रॉब्लम आ सकती है आपको, ये संभावनाएं रहेंगी आपकी। लेकिन साथ ही साथ आपका मन विचलित बहुत ज़्यादा रहेगा, आप शत्रुओं से परेशान ज़्यादा हो सकते हैं, कोई पुराना कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक स्थितियाँ बन सकती हैं, ये ऐसी स्थितियाँ आपके लिए रहने वाली हैं। अगर हम दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में आपके लिए काफ़ी स्थितियाँ सही हो सकती हैं, काफ़ी स्थितियाँ सुधारदायक हो सकती हैं। यहाँ पर दाम्पत्य आपका बहुत ही सुखमय होगा, सुकूनमय। छोटे मोटे असमंजस आपके हो सकते हैं अपने पार्टनर के प्रति, हो सकते हैं छोटे मोटे लड़ाई झगड़े या छोटा मोटा कलह रूप लें, लेकिन दाम्पत्य में ऐसा कोई भारी भरकम विवाद नहीं होने वाला है, तो दाम्पत्य जीवन भी श्रेष्ठ रहने वाला है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव से संबंधित जो चीज़ें हैं, आपको गुप्त चिंताएं सता सकती हैं, किसी प्रकार की टेंशन हो सकती है, और साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पर आपको अचानक से कोई दुर्घटना का भी संकेत दिख रहा है, तो कोई दुर्घटना इत्यादि या कोई आपका साथी आपसे दूर हो जाए, ऐसी स्थितियाँ बनेंगी। अब अगर नवम भाव की बात करें तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा, आध्यात्मिकता की ओर आप अग्रसर होते रहेंगे और निश्चित ही आप आध्यात्म में रुचि, रोज़ रोज़ नई नई आध्यात्मिक किताबों का अध्ययन करने की भी रुचि आपके अंदर बढ़ेगी। गुरु शनि का दोष जो कि यहाँ पर आपके काफ़ी दिनों से बना हुआ है आपके कर्म भाव में, तो कर्म भाव में ये गुरु शनि का जो कि वक्रगत होना अभी चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। आपका कर्म जो आपका किया हुआ कार्य है उसका फल ना मिले आपको, नौकरी इत्यादि में आप हो सकता है कि किसी प्रकार से इंटरव्यू देने जाते हैं उसमें आपको असफलता मिल जाए, या आप जॉब इत्यादि करते हैं जॉब से आपको ऐसा कोई नोटिस मिल जाए जिससे कि हो सकता है कि बहुत लोगों की जॉब जाएंगी, तो जॉब इत्यादि जा सकती है आपकी, ये भी संभावनाएं रहेंगी। और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो एकादश भाव में मंगल रहेगा 18 जून तक, तो ये आपके लिए लाभ की स्थितियाँ बनाएगा। मंगल द्वादश में जाएगा तो ये आपके लिए काफ़ी व्यय और आपके कोर्ट कचहरी मुकदमा इत्यादि या चोट चपेट लगने से, कोई दुर्घटना होने से, हॉस्पिटल इत्यादि में खर्चे बढ़ाएगा। तो ये था जून का मेष राशिफल, दोस्तों आपको बताया हमने, अब जानेंगे उपाय। उपाय क्या है? उपाय में आपको इन चीज़ों से जो भी आपकी नकारात्मकता है या आपके अंदर जो निगेटिविटी है और जो भी आपके साथ में गलत होने वाला है उसे रोकने के लिए आप उपाय के रूप में हनुमान चालीसा के नित्य 11 पाठ सुबह प्रातःकाल कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा और आपके साथ होने वाली अनहोनी को आप पहले से ही टाल पाएंगे। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप ऐसे ही राशिफल देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।